जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आप सबकी भी जन्माष्टमी कुशल मंगल से रही होगी दोस्तों, ऐसे मैं कामना करती हूँ। तो सुबह से अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ, मेरे दोनों बेटे सो रहे हैं, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और पानी वानी मैंने पी लिया था। तो आज हर्ष उल्लास से मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, पूरा दिन बहुत ही प्यारा व्यतीत हो ऐसी मेरी कामना रहती है जब भी मैं सुबह उठती हूँ। तो दूध आ गया था, दूध मैंने लिया, यहाँ सोता है मेरा छोटा बेटा कार्तिक है मेरे साथ, तो सो रहा था अभी रात को भी, बहुत काम वाम करने के बाद बच्चे थोड़ा छुट्टी के दिन मैंने कहा सो लें तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने पुराने दूध से चाय बनाई, नया दूध रख दिया गर्म करने और मैं लग गई हूँ दोस्तों अपने घर के काम। मैंने स्टार्ट करा सीधे झाड़ू लगाने से, तो ये रात का कूड़ा है संडे का, तो इस बार जन्माष्टमी पड़ी मंडे को, तो दोनों बाल्टियाँ मैंने डाल दी हैं, कूड़े वाली गाड़ी भी साथ में आ गई थी। और इतनी देर में मेरा छोटा बेटा भी उठ गया था, तो वो अपनी पढ़ाई में लग गया था, तो मैं भी पोछा लगा रही हूँ। फिर सोचा कि नहाने धोने के बाद साफ़ सुथरी होके नाश्ता बनाऊँगी, तो एक डंडा वाला पोछा भी साथ में रखा है और हाथ से लगाने, वैसे मुझे ना हाथ से लगाने में ही ठीक लगता है, कोने कोने में अच्छे से सफाई हो जाती है और जो भी कूड़ा कचरा रहता है थोड़ा बहुत वो आ जाता है पोछे के साथ और दाग धब्बे भी मिट जाते हैं। तो आज मैं लगा रही हूँ डीप तरीके से, और ये घर इतना बड़ा और फर्श भी बड़ा है ना, तो मुझे ना डंडे की वाले पोछे की रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभी, तो पहले मैं हाथ से लगा लेती हूँ, उसके बाद दिन भर में जब भी ज़रूरत रहती है तो मैं डंडे वाले पोछे का यूज़ करती हूँ। तो वैसे एक्सरसाइज और पतला रहना है तो एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज करने के लिए ना ये बैठ के पोछा लगाना बहुत ही अच्छा होता है, तो हाउसवाइफ के लिए और आफ्टर 35 आफ्टर 40 तो ज़रूरी है कि हम ऐसे पोछा लगाएं, तो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो मैंने ना आज कोने कोने की सफाई कर रही हूँ, वैसे तो प्रभु हमारे दिल में होते हैं, उनको साफ़ सुथरा हृदय पसंद आता है। और देखो ना दोस्तों, ऐसे आजकल बाल ही बाल हो रहे हैं, तो पोछे में ना बीच बीच में ऐसे बाल निकाल के फिर उनको फेंकना पड़ता है। और बेटे के बड़े बेटे के कमरे में मैंने पोछा लगा दिया, थोड़ा सा वो लेट और लेट काम करता है रात को, तो थोड़ा सा आराम से उठता है, तो अपनी अपनी हैबिट होती है, नींद भी पूरी होनी चाहिए, तो अभी थोड़ी देर में वो भी उठ जाएगा, तो बस पोछा मैंने लगा दिया है वहाँ। और जहाँ दोस्तों प्रभु को पसंद आता है साफ़ सुथरा हृदय, तो वहाँ मुझे, और मुझे लगता है कि हर किसी को साफ सुथरी जगह ही पसंद आती है, और इसका सबूत है जब हमारा घर अस्त व्यस्त होता है, हमारा किचन अस्त व्यस्त होता है, गृहिणी की बात मैं कर रही हूँ, तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, सच में ये बात तो सत्य है। और घर जब अस्त व्यस्त रहता है तो मन में बहुत सारी उलझनें रहती हैं, ये काम निपटाना है, ये काम करना है, और काम पे काम फैले रहते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें हम अच्छे से कर लेते हैं तो एक अलग सी गुड वाइब्स आती हैं, हम सकारात्मक सोच की तरफ जाते हैं और अच्छा सोचते हैं। वैसे ही आज के दिन को महसूस करते हुए बस ये सोचने का ही खेल होता है, तो ईश्वर को भी यही पसंद है साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरा हृदय। और यकीनन जब हम ये काम करते हैं तो हमको संतुष्टि ही होती है, तो बस मेरा भी आज का यही मोटिव रहता है जब भी त्यौहार रहता है, अदरवाइज़ तो ये काम रोज़ ही होते रहते हैं, लेकिन एक श्रद्धा भाव से मैं अंदर बाहर सब जगह अपने तरीके से पोछा लगा रही हूँ। और बच्चों को तो कितना समझाओ कि चप्पल जूते रैक में रखो, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट वाले रहते हैं चलते फिरते, जब हम इधर उधर जाते हैं तो यहाँ पे उतार लेते हैं, अदरवाइज़ सारे जूते हमने इस रैक के अंदर रखे होते हैं। तो ये बाहर का एरिया यहाँ पे भी मैंने अच्छे से लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग रोज़ आते जाते रहते हैं, तो कभी साफ़ रहता है कभी कोई कर लेता है, तो जब मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट यहाँ पे गंदा है तो मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगाती हूँ और पोछा भी लगा के चली जाती हूँ। तो ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों पे भी मैंने हाथों हाथ लगा दिया है पोछा। सो ये मैट्स मैंने धूप में रख दी थी और अब मैं लगा रही हूँ उनको अपनी। और ये देखो जाली वाले दरवाजे भी लग गए, इसको भी इन्होंने टाइट हो रहा था, बरसात में टाइट हो जाता है ना, तो इसको उन्होंने वो करा, पता नहीं काटा यहाँ से करा होगा ना कुछ, तो अब ठीक हो गया। और इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, इसको मैंने डीप यहाँ वहाँ सब फैला हुआ था ये यहाँ इसका बुरादा, तो मैंने इसको साफ किया। सो बस जब नहाने के लिए गई तो कार्तिकी की ऑनलाइन क्लास चल रही थी आज,
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छी सी साड़ी, पुरानी है लेकिन मुझे फेवरेट, मतलब मेरी फेवरेट है साड़ी, और साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है तो मैं साड़ी पहनती हूँ। फेस्टिवल हो या जब भी मेरा मन होता है मैं पहन लेती हूँ, और बहुत सारा काम भी कर लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ना हैबिट है। और आदत एक ऐसी चीज़ होती है, जैसी ही आदत हम अपनी बॉडी को डालते हैं वैसी ही हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है रोज़। तो एक दिन में आदत नहीं बनती है, हमको बहुत दिन उस काम को लगातार करते रहना चाहिए तो आदत हो जाती है, चाहे वो घर की हो, चाहे बाहर की हो, चाहे वो हमारे कपड़ों से रिलेटेड हो। तो कई महिलाओं को ना प्रॉब्लम होती है, सो मुझे नहीं होती है क्योंकि मुझे आदत है। स्कूल जब मैं जाती थी तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे ही साड़ी पहन के बहुत सारे काम किया करती थी। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए सेवियाँ बना रही हूँ, दूध था बचा हुआ, और आइसक्रीम आजकल खाते हैं, गर्मियों का टाइम है तो बच्चे ना दूध नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ दूध को। तो आज मुझे मौका था और फटाफट से मैंने बनाई इनके लिए सेवियाँ, और ये पीसा मैंने, और ये दूध ना सॉरी घी था मंदिर का जो मैंने मेल्ट करके, और ये दूध का पतीला भी साफ़ कर दिया, और इलायची मैंने इसमें पीसी हुई थी। तो बस बन गई सेवियाँ, और ये दे दी मैंने छोटे बेटे को, बड़ा बेटा आ रहा है। लगता है दोस्तों कि काम बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसे कहाँ होता है, पूरे दिन भर तो काम ही चलते रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है तैयार होके काम करते रहो, अपने आप को भी अच्छी फीलिंग आती है। तो कार्तिकेय नहा चुका है तो नेचुरल है, बच्चे जब नहाते हैं तो बाथरूम में मैंने यहाँ पे वाइपर लगा दिया, जो भी कपड़े हैं धोने के लिए वो यहाँ से मैं ले जा रही दूसरे वाले बाथरूम में, और यहाँ पे पानी मैं साफ़ करूँगी। तो बस अब दिन भर सारे काम ऐसे ही चलते रहते हैं, तो मैं अपना गेटअप भी चेंज करती रहती हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट रील भी बनानी होती है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे चने भिगाए और दूध पिया, जो बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। और बस तो ये दोपहर का टाइम है, तो कार्तिक को भेजा था मैंने नीचे, मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तो उसके बीच मेरा ये पार्सल आया, बहुत ही ज़रूरी सामान है इसके अंदर, जिसकी मुझे कब से तलाश थी। इतना बिजी शेड्यूल जा रहा था मेरा, जब से मेरी शिफ्टिंग हुई तो मैं ना कहा जल्दी नहीं मंगवा पा रही थी, ना मुझे मिल रहा था, जो भी था बस काम चलाओ, मतलब अच्छा नहीं था। तो मेरी पसंद का मैंने अभी एक काजल मंगवाया, बचपन से मुझे हैबिट है काजल लगाने की और अभी तक मैं लगाती हूँ, लेकिन अपने आप को हमेशा सजाते संवारते रहना चाहिए, सो अच्छा लगता है अपने आप को पैम्पर करना। तो ये काजल मैंने मंगाया था, तो बस आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आ गया, इसको मैं अप्लाई भी करने वाली हूँ अभी, और मुझे सब्जी लेने भी जाना है। काजल मंगाया था मिंत्रा से, मेरा काजल कब से ख़त्म हो रहा था, सब मंगा रखा है मैंने, तो ऐसे लगा रखा है। और दोपहर में दोस्तों बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो वो खाया था, और जैसे ही मैं मार्केट जाने की सोच रही थी लेकिन फिर भी मैं चली गई, बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, तो बस शाम को जो बचे कुछ काम थे ये पानी भी मैंने, इतना बिजी थी ना, मतलब काम में एक काम दूसरा काम तीसरा काम, मुझे तैयार होने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो 12 बजे खोलूँगा मेरा, तब मैं इनके लिए बना रही हूँ खाना, तो अभी मैं दिया जलाती हूँ, अभी कपड़े चलो, अभी छोले तो मैंने रख दिए हैं उबालने के लिए, हलवा बनाऊंगी भगवान जी के लिए, बाकी भोग बनाऊंगी मैं, छोले पूरी इनके लिए बनाती हूँ बच्चों के लिए, बाकी भगवान जी के लिए हलवा बनाऊंगी। उसमें जल्दी जल्दी मैंने तैयार भी नहीं हो पाया आज, बहुत सारे काम थे। मैंने छोटी मोटी बनानी थी ना अच्छी, और मैं मीसो से ना मैंने ये मंगाए थे, इसके लटकन भी थे, लेकिन मुझे हो रही थी देर शाम को, मैंने तैयारी होती तो तैयार में टाइम लग जाता ना, इसको पहन लिया। और मात्र कितने के होंगे ये, 300 से बताओ, सो मात्र 150 के हैं, किसके पास है बताना, 150। बस दोस्तों इवनिंग में मैंने इसी लहंगे में बहुत सारे शॉर्ट रील बनाई, पूजा की, और उसके बाद सीधे मैं बनाने लग गई डिनर। सो बस छोला मैं बनाऊंगी और हलवा और खीर हमारे यहाँ बनाते हैं, फिर मैंने गाय में चढ़ा दिया था, और उसके बाद अपना व्रत तो मैंने खोलना था 12 बजे के बाद। फिर से मैंने साड़ी पहनी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आज साड़ी पहन के पूरा भोग बनाऊँ व्रत वाला, और ईश्वर में जो हम चढ़ाते हैं गाय के लिए, और मैंने अपने ससुर जी के लिए भी रखा खाना क्योंकि उनको मैं याद करती हूँ आज के दिन पे, क्योंकि वो बहुत खुश होते थे और उनका व्यवहार ही है जो मुझे आज तक याद है। तो बस सुबह की भी तैयारी हो रही है दोस्तों, कार्तिकेय ने स्कूल जाना है तो बीन्स मैंने धो के रख दी है, तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ, खीर
खीर भी बन रही है, तो हमारे यहाँ खीर भी बनाते हैं और आपके यहाँ बनाते कि नहीं बनाते बताना दोस्तों। सो बस यहाँ पे मैंने पानी वाली बनाई, कोई दूध वाली बनाता है ना, तो बच्चों को यही पसंद है तो मैं यही बनाती हूँ। और वैसे तो बच ही जाता है आज का भोग, क्योंकि भंडारा जो होता है, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन ना बहुत भर चुका था दोस्तों, और मैंने यहाँ पे अपने लिए पूरियाँ रख दी हैं साइड में, और फिर मैं किचन करके अपने और काम निपटाने लग गई थी मतलब। तो बस आज इंतज़ार होता है, एक्साइटेड होता है, इसके बाद जो समय रहता है वो काटना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन बहुत खुशी होती है जब कान्हा जी का जन्म होता है 12 बजे, तो सब्ज़ी मैंने काट दी और बस छुटपुट जो तैयारियां थी वो मैं कर रही थी, और फ़ोन भर गया था इसलिए ज़्यादा बना नहीं पाई मैं वीडियो अच्छे से। और ये मैंने बीच में 11:30 बजे का टाइम था जब मैंने कपड़े देखे, पंचामृत बनाया, और ये गाय वाली गैया उनकी फेवरेट, तो बस ये फ़ोटो ली और सो गई दोस्तों।